उधर मड़वा वगैरह गड़ा हुआ है ना। देखिए इधर रसोई है, यहीं पर खाना पीना बनता है। और उधर देखिए, देखिए इधर कविता जी, लक्ष्मी, उधर फुआ। तो गर्मा गर्म चावल आ गया है दोस्तों, ये देखिए। बस दो चम्मच, ज्यादा नहीं, बस बस। देखिए ये बच्ची अभी पानी डाल रही है गिलास में। देखिए मटन आ गया है दोस्तों, अभी मटन चल रहा है, अभी भैया जी बांट रहे हैं मटन। देखिए पूरा एकदम बेंच फुल है, ये वाला खाली है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय है और अभी का मौसम देखिए दोस्तों कैसा कर दिया है। ये देखिए पूरा एकदम तेज धूप उग गया है, ये देखिए पूरा एकदम बादल साफ हो गया है और एकदम ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है और धूप भी उग गया है, एकदम बिल्कुल बादल छट गया है दोस्तों। जो भी पानी बारिश का मौसम बनाया हुआ था पूरा एकदम बादल हट गया है और एकदम अब अच्छा एकदम क्लियर धूप उगने लगा। अब काफ़ी धूप भी लगने लगा और गर्मी भी एकदम पूरा बढ़ा दिया है, एकदम रात में पूरा गर्मी लगता है, लाठी सो नहीं पाती है रात को, एकदम पूरा चिल्लाते रहती है, क्या लक्ष्मी? देखिए अभी पूरा एकदम खेल रही थी, खेलते खेलते देखिए कैसा एकदम कर लिए हाथ वगैरह, एकदम पूरा गंदा कर ली है। और आप लोग को लक्ष्मी का माथा में कुछ चेंज दिखाई देता होगा दोस्तों, देखिए पूरा एकदम बाल वगैरह कटा दिए हैं एकदम अच्छा तरह से। ये मतलब लक्ष्मी का पूरा एकदम ना कान ढपा जाता था तो उसी से पूरा एकदम कटा दिए हैं, तब पूरा एकदम अब अच्छा हो गया, एकदम देखिए क्लियर हो गया साइड साइड में। अब गर्मी का दिन आ गया ना इसलिए इसको कटवा दिया। और मेरे शक्ल में भी आप लोग को चेंज दिखाई देता होगा दोस्तों, क्योंकि गाँव में एक ठो शादी था तो शादी में ही मतलब ठाकुर साहब आए हुए थे यानी कि नाई जी, तो वहीं पर पूरा एकदम हम लोग का ना मरवा खूटा गड़ाता है तो उसी का जैसे मरवा कामाई बोलते हैं तो उसी का ठाकुर बैठा हुआ था। तो हम और लक्ष्मी दोनों गए और पूरा एकदम लक्ष्मी को बाल बनवा दिए और हम भी दाढ़ी वगैरह बनवा लिए और अभी वहीं पर जाना है हम लोग को शादी घर में, क्योंकि कल हो गया शादी बीत गया तो आज पार्टी है तो वहीं पर अभी हम लोग चलेंगे तैयार वगैरह होकर के। देखिए लक्ष्मी पूरा एकदम झला रही है, ये चला रही है शादी घर जल्दी। और इधर देखिए दोस्तों हमारे घर फुआ भी आए हुए हैं और इधर देखिए आकाश बाबू भी आया हुआ है, क्योंकि शादी है ना तो शादी में पूरा एकदम रिलेशन को खोजते हैं, हमारे एक रिलेशन को हो गया या फिर अपना रिलेशन को हो गया, मतलब जितना तरह का गांव में रिलेशन होता है जैसे गोतिया बोलते हैं, गोतिया में जिसका जिसका भी रिलेशन होता है सभी को खोजते हैं, इस तरह से हम लोग का गाँव देहात में परम्परा चला हुआ है। तो इसीलिए फुआ को भी खोजे हुए हैं, शादी में इन्वाइट किए हैं तो इसीलिए फुआ भी आ गए हैं। हाँ तो अभी हम लोग सभी को चलेंगे शादी घर, सबको मिलजुल करके, क्या फुआ? और इधर देखिए लक्ष्मी को अभी खेलना शुरू हो गया इसका, देखिए पूरा एकदम कुछ ना कुछ इसका हाथ में चाहिए खेलने के लिए, खिलौना, क्या जी? ठीक है। तो अभी हम लोग शादी घर थोड़ी देर बाद जाएंगे दोस्तों, शाम शाम में जाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी धूप है और अभी हम लोग को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा बस्ती में, तो जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग चलते हैं, तब तक जो है हम लोग का काम हो रहा है नया वाला घर में, उधर ही चलते हैं, है ना जी? चलिए चलिए उधर देखते हैं, चलो लक्ष्मी। तो चलिए जी, चलो लक्ष्मी। देखिए लक्ष्मी आगे रहती है इधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, हम कविता जी और लक्ष्मी नया वाला घर तरफ, है ना जी? चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। और इधर देखिए बैल सब आकर के इधर ही चरते रहते हैं, पूरा जंगल से उतर जाते हैं और यही सब में साइड साइड में चरते रहता है, तो इसीलिए हम लोग जो है बाउंड्री वाल घुमाने का सोचे हुए हैं, लेकिन अभी बाउंड्री का काम नहीं हो रहा है, अभी रुक गया है क्योंकि बीच में होली आ गया ना तो सभी मिस्त्री लोग घर चले गए हैं, तो अभी तक तो आए नहीं हैं वो लोग, क्या जी? इसलिए हम लोग का काम रुक गया है। एक ठो मिस्त्री आए हुए हैं अभी जोड़ा प्लास्टर वाले, तभी उधर काम कर रहे हैं नीचे तरफ, है ना? हाँ। और इधर देखिए दोस्तों हम लोग का रेस्टिक का काम भी हो गया है, बाहर बाहर में हो गया है, सिर्फ ऊपर का डिजाइन में उस सब में मराया हुआ नहीं है, उस सब में मारना है, बाद में उस सब मराएगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है, उस सब में कुछ कुछ में प्लास्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए उसको छोड़ दिए हैं पुट्टी वाले मिस्त्री सब। देखिए इस तरह से एकदम पूरा एकदम अच्छा तरह से एकदम दे दिए हैं, देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम मरा गया है, रेस्टिक बाउंड्री में भी मरा गया है। देखिए बालू हम लोग का ख़त्म हो गया था तो बालू भी गिरा लिए हैं, उधर थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। क्या चाहिए लक्ष्मी? माम चाहिए। पानी पानी पिएगी? देखिए ऊपर में भी पूरा एकदम रेस्टिक हो गया है, ये देखिए एकदम चारों तरफ पूरा रेस्टिक का काम हो गया है ऊपर से नीचे तक, इधर भी बाउंड्री में हो गया है। अब ये तुलसी पेड़ा बाकी है तो ये बाद में मरा जाएगा, और गेट भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, ये लगने के बाद में यहाँ पर पुट्टी वगैरह मराएगा।
और इधर देखिए दोस्तों, सारा टाइल्स वगैरह यहाँ पर घुसा करके रख दिए हैं। कुछ यहाँ पर है और कुछ ये वाले रूम पे भी घुसा करके रख दिए हैं। देखिए यहाँ पर पूरा एकदम टाइल्स ही भरा हुआ है। देखिए इधर भी है, सब तरह का टाइल्स है। देखिए अंदर से बाहर तक पूरा एकदम पुट्टी का काम हो गया है। ये देखिए पूरा सीलिंग में भी लग गया है, दीवार में भी लग गया है। देखिए इस तरह से पूरा एकदम चिकना कर दिए हैं। देखिए पूरा छूने में एकदम पूरा प्लेन मिलता है। और यहाँ पर नीचे में भी कर दिए हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक पुट्टी हो गया है, इस तरह से एकदम पूरा चिकना हो गया है। यानी कि पुट्टी का काम जो है लगभग लगभग पूरा एकदम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर और एक कोट मराएगा, उसके बाद में फिर और भी एकदम चिकना हो जाएगा। और एक कोट मराने के बाद में पूरा फाइनल ही हो जाएगा। उसके बाद में फिर पेपर वगैरह मार करके सीधा कंप्लीट ही कर देना है। और देखिए ये रहा दोस्तों बाथरूम, बाथरूम का काम अभी हो रहा है। ये देखिए मिस्त्री जी सेटरिंग ठोक रहे हैं इस तरह से। देखिए इतना पटरा वगैरह ठोके हुए हैं, बल्ली वगैरह लगा करके। और देखिए इसका जो चैम्बर है, चैम्बर का भी यहाँ पर देखिए ढलाई हो गया है। एक ठो यहाँ पर है और एक ठो वहाँ पर है, दो ठो डाला हुआ है, पूरा कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ पर अभी पटरा ठोक रहे हैं सेटरिंग के लिए। चलिए अब आप लोग ऊपर से दिखाते हैं। देखिए इस तरह से रूम का सेटरिंग हो रहा है। आज बाकी मिस्त्री लोग नहीं आए ना, इसीलिए थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रहा है अकेले में। क्या सब होली ऐसा त्यौहार है ना कि होली में एक बार छुट्टी हो जाता है तो 8 दिन तक काम पे ही नहीं आते हैं लोग। क्या देखिए इस तरह से बली लगा करके अभी ठोक रहे हैं, कांटी मार रहे हैं। देखिए इतना दूर तक हो गया है दोस्तों। देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम सेटरिंग कर दिए हैं, सिर्फ ये वाला रूम बाकी है, ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। क्या मिस्त्री जी चलिए तो यहाँ पर अभी काम हो रहा है दोस्तों, चलते हैं। अब मिस्त्री जी को थोड़ा सा हेल्प करते हैं क्योंकि ये अकेले हैं ना, तो अकेले में जूत नहीं बनता है काम करने का। अब साथ में मिलजुल करके करते हैं, जल्दी जल्दी काम करना है, पकड़ उकड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर बली लगा हुआ है, यहाँ पर पटरा ठोकाएगा इस तरह से। यहाँ पर चैनल लगा करके पटरा ठोकते हैं। देखिए उधर भी इसी तरह से ठोके हुए हैं पूरा एकदम, इधर से उधर तक। चलिए हम पकड़ दिए हैं, ठोकिए देखा गिरतन घरतन। देखिए कितना जोगाड़ बना करके यहाँ पर ढलाई वगैरह करना पड़ता है। क्या मिस्त्री जी अब हम लोग को जल्दी से जल्दी बाथरूम का काम कंप्लीट करना है, जितना जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना जी। देखिए कविता जी वहाँ पर नीचे में सहयोग कर रहे हैं। देखिए उस तरह से ईंटा वगैरह लगा दे रही है ताकि बली इधर उधर जाएगा नहीं। क्या हाँ पूरा टाइट कर दीजिए, है ना, उसी तरह से। उसी तरह से करके और टाइट कर दीजिए। तो अब चलते हैं दोस्तों, नीचे तरफ उतारते हैं, पटरा वगैरह लेकर के आएंगे। देखिए इधर लगा हुआ है, वो सबको मिस्त्री जी खोलेंगे, उसके बाद में फिर लगाएंगे। क्या मिस्त्री जी खोल दीजिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा तरह से लिल्टन हो ही गया। लीजिए ना इधर पकड़ लेते जाते हैं, सब लगेगा। तो अब इधर चैनल वगैरह सब लग गया है दोस्तों, अब यहाँ पर लगाना है पटरा वगैरह, उसके बाद में कांटी ठोक करके यहाँ पर चादरा बिछाना है। इधर तो सब काम हो ही गया है, इधर चैनल वगैरह सब बढ़िया तरह से लगा करके इधर पटरा वगैरह ठोका ही गया है। अब थोड़ा सा बाकी है उधर चैनल में पटरा ठोकना, तो वो सब ठोक देंगे मिस्त्री जी। अब चलते हैं, हम लोग को फिर जाना होगा शादी घर, तो फटाफट नीचे उतरते हैं और तैयार होते हैं, उसके बाद में निकलेंगे। सीढ़ी इधर लगा हुआ है, इधर मिस्त्री जी लगा दिए। अब चलते हैं, उतरते हैं सीधे नीचे। तो नीचे हम उतर गए हैं दोस्तों, अब चलते हैं, पहले पैर हाथ धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद में कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे। देखिए इधर हम लोग रूम वगैरह पूरा एकदम खाली कर दिए, तो कैसा लग रहा है। ये देखिए ऊपर में भी पूरा एकदम सीट वगैरह जो भी लादा हुआ था सब एकदम उजड़ गया है। और देखिए सारा जो यहाँ पर कचरा के देखिए
ढेर हो गया है नीचे में रूम में, देखिए उधर वाले रूम में भी सब में हो गया है। और देखिए साइड साइड में टूटा हुआ ईंटा को रख दिए हैं सोलिंग के लिए। और देखिए बाहर में जो आप लोग छाया देखते थे दोस्तों, उसको तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये ना पूरा एकदम खराब हो गया था। देखिए कैसा जंग वगैरह लग गया था एकदम पूरा, और झुरुर झुरुर गिरता भी था, इसलिए इसको जो है तोड़ दिए हैं बढ़िया तरह से। अंदर का भी छाया को तोड़ दिए हैं, और पूरा एकदम आप अच्छा तरह से यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए इसको तोड़े हुए हैं। ये खिड़की को भी पूरा मून देंगे एकदम, अब सेपरेट बनेगा। तो अब चलते हैं जहाँ पर हम लोग पानी वगैरह भरते हैं, वहीं पर धोवा धोई करेंगे। अभी हम आ गए कलवर घर, और इधर देखिए दोस्तों माँ यहाँ पर सरसों काट करके लाई है, और देखिए पूरा एकदम सुखा दी है, उसके बाद में ढहरा रही है। देखिए यहाँ पर पूरा एकदम मस्त दाना निकलता है, देखिए एकदम कितना अच्छा दाना है सरसों का, क्या हाँ देखिए ना। इसका एक नंबर तेल होता है दोस्तों, इसका तेल में ना पूरा स्वादिष्ट भी लगता है सब्जी, और कुछ भी अगर बनाइएगा इसमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत मजा। और फौरन भी अगर दीजिएगा ना, मछली वगैरह बनाइएगा उस समय, तो काफी टेस्टी लगता है। ये वाला अगर नहीं रहता है घर में तो हम लोग खरीद करके लाते हैं, क्या मैं खरीद के लाते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग का घर में हो जाता है, नीचे वाला बाड़ी में हम लोग का था, तो वहीं से काट करके लाए हुए हैं, और अभी दाना निकाल रहे हैं, पूरा ढड़ा लिए हैं एक बार। हाँ थोड़ा सा बाकी उठी देखो ढड़ा वाले ढड़ा ही नहीं सकते, देखिए पूरा दाना है या। इधर तो माँ अभी लगे ही हैं दोस्तों सरसों का दाना निकालने में, ढड़ा रहे हैं अभी। ठीक है माँ निकालिए हाँ, जितना सकेंगे हाँ, तो हम चलते हैं दोस्तों अब धोने के लिए, क्योंकि समय हो गया है, शाम अब हो ही गया, तैयार होते होते और भी एकदम बेरा डूब जाएगा, तो फटाफट यहीं पर धो लेते हैं। देखिए इधर डेगची में पानी भरा हुआ है, यही सब पानी से धो लेंगे। देखिए ये सब खाली हो गया है, ये सबको पानी आएगा उस समय भरना पड़ेगा। अभी लाइन तो है लेकिन मशीन चालू करके भर देंगे, पहले हम यहीं पर धो लेते हैं, क्योंकि हम लोग का लेट हो जाएगा जाने में, तो फिर उधर से आना भी है ना, ज़्यादा शाम हो जाएगा, इसीलिए अभी निकल जाते हैं फटाफट यहीं पानी में धो करके, बाद में आएंगे उसके बाद में हम लोग ये सब एकदम टप वगैरह में पानी भर देंगे। देखिए धूप से पूरा एकदम पानी गर्म हो गया है, अब चलते हैं फटाफट धोते हैं। तो हाथ में धो करके फ्रेश हो गया दोस्तों, और देखिए अभी शाम हो ही गया है, देखिए अब धूप ढलना शुरू हो गया, देखिए घर घुसने लगा अब धूप। और देखिए माँ इसी तरह से छोड़ दी है, और अभी किधर गए हुए हैं, ये सबको फिर झाड़ झाड़ के पूरा सरसों निकालना पड़ेगा, उसके बाद में घर घुसाएगी। तो अब चलते हैं फटाफट रेडी होते हैं, कविता जी रेडी होते होंगे अभी। देखिए इधर मुकेश बाबू फुआ आकाश सब रेडी हो गए हैं, हम लोग सब रेडी हैं, खाली आप लोग का आशा देख रहे हैं, रंगीला का मामी नहीं तैयार हो रही है, कब होगा। अच्छा अच्छा वो तैयार होने के लिए गए हैं उसी समय, तैयार होने के लिए गए हैं। हाँ तो हम लोग सभी को रेडी हो गए हैं दोस्तों बढ़िया तरह से, और देखिए झोला भी रेडी कर लिए हैं, देखिए यहाँ पर चावल डाला हुआ है ना जी। चलिए अब चलते हैं हम लोग, चलो लक्ष्मी, लक्ष्मी भी रेडी हो गई है शादी घर जाने के लिए, चलिए फुआ चलिए। तो अब फटाफट चलते हैं दोस्तों शादी घर, आइए फुआ। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों, देखिए पूरा एकदम बेरा डूब गया है, हाँ पूरा शाम हो गया, चलिए जल्दी जल्दी चलो। मुकेश बाबू सोया हुआ था क्या? अच्छा एक नींद ले ले तब अच्छा पूरा नींद आ गया। चलिए फटाफट चलते हैं, तो शादी घर हम लोग पहुंच गए दोस्तों, देखिए यही घर में शादी है, चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलिए। अच्छा उधर मड़वा वगैरह गड़ा हुआ है ना, चलिए देखिए इधर आंगन में मड़वा वगैरह छरा हुआ है, और ये है शादी घर। चलिए झोला दीजिए, तो खा ले लाए। अच्छा दियो माई बेटा खा जाए, सब है कोई सब बढ़िया सब आके लागे। चलो तो झोला वगैरह दे दिए दोस्तों, कविता जी और फुआ गए हुए हैं झोला देने के लिए, अब चलते हैं उधर टेंट की तरफ, बड़ी खाना उना का आयोजन किया गया है। देखिए इधर डांस वगैरह करने के लिए पूरा एकदम डीजे लगाया गया है, देखिए यहाँ पर लाइटिंग वगैरह सब एकदम बढ़िया तरह से एकदम सजा करके, देखिए इधर लाइट जलना शुरू हो गया, कखन अल है। अच्छा चला बढ़िया है, देखिए इधर रसोई है, यहीं पर खाना पीना बनता है, खाना पीना बन गया भैया
बन गया है। चलिए खाना पीना सब रेडी है। और उधर देखिए टेंट में कुछ कुछ लोग खा भी रहे हैं। देखिए पूरा एकदम बेंच फुल है, ये वाला खाली है। कहाँ गई रंगीला की मम्मी? रंगीला की मम्मी आ रहे हैं। अच्छा देखिए सब आते जा रहे हैं दोस्तों और खाते जा रहे हैं। देखिए काफी सारे मेहमान लोग आए हुए हैं। देखिए पूरा एकदम गाँव के लोग हैं, मेहमान लोग हैं, सब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब चलते हैं, हम लोग भी बैठते हैं जगह देख करके, है ना? हाँ हाँ बैठिए ना, बैठिए। इधर भी तो खाली है। हाँ देखिए इधर भी साइड में खाली है, यहीं बैठ जाइए। आइए जी इधर बैठिए। कहाँ रह गए थे? चलो लक्ष्मी बैठ के खाना खाओ। हाँ तो सभी कोई बैठ गए हैं दोस्तों, अब चलते हैं, हम भी बैठते हैं। देखिए इधर कविता जी, लक्ष्मी, उधर फुआ, इधर देखिए मुकेश बाबू, इधर आकाश बाबू, और देखिए पत्तल भी टेबल में लग गया है। अब चलते हैं बैठते हैं। देखिए लक्ष्मी देख रही है कब से खाना मिलेगा ना लक्ष्मी। तो गर्मा गर्म चावल आ गया है दोस्तों, ये देखिए, बस दो चम्मच ज्यादा नहीं, बस बस रखो लक्ष्मी, चावल लेगी तब ना खाएगी। देखिए ये बच्ची अभी पानी डाल रही है गिलास में। हाँ आराम से डालो मुन्नी, है ना, गिराना मत, बस बस ठीक, वेरी गुड। देखिए मटन आ गया है दोस्तों, अभी मटन चल रहा है, अभी भैया जी बांट रहे हैं मटन। अच्छा रंगीला के अच्छा काल बजा हमरा कहे रे बड़वा बजा दे। अच्छा अच्छा तो हम खुश न क्यों कहले। अच्छा रंगीला को तोरा मास हम ठकबो रे। गरमा गरम मटन मिल रहा है तो घी ऑर्डर ना तखने पूरा मास दुनिया धोए। देखिए तरी भी आ गया। हाँ तरी चला रहे हैं। तो सब चीज हम लोग का मिल गया है दोस्तों। देखिए मटन मिला हुआ है, चावल तरी सब मिल गया है। अब चलते हैं फटाफट खाते हैं। चलिए जी शुरू कीजिए। उधर देखिए फुआ शुरू कर दिया खाना। चलो बाबू जल्दी जल्दी खाओ। बहुत मजा, बहुत मजा। चलो रंगीला वाला सीख ले लिया, बहुत मजा क्या। तो खाना पीना हम लोग सभी कोई खा लिया दोस्तों, अब चलते हम लोग विदाई लेते हैं। भोला वगैरह मांगते हैं क्या हुआ? चलिए भोला वगैरह ले लेंगे, उसके बाद में निकलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है, यानी रात हो ही गया, शाम तो उसी समय हो गया था, अब रात हो गया। चलते हैं फटाफट झोला लेते हैं गाड़ी घर में, झोला मांगिए। देखिए झोला वगैरह मिल गया दोस्तों, उनको विदाई पानी हो गया है, अब चलते हैं निकलते हैं सीधा घर। क्या जी चलिए तो घर हम लोग पहुंच गए दोस्तों, खाना पीना तो खा ही लिए हैं, अब चलते हैं कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं और आराम करते हैं। देखिए लक्ष्मी आते ही सो गई एकदम, इसको एकदम पूरा ठंडा लगा ना, अभी ठंडा ठंडा सो रही है, क्योंकि काफ़ी गर्मी बढ़ा दिया है। और मच्छर देखिए कितना बड़ा बड़ा है। अब चलते हैं मच्छरदानी को गिरा देते हैं। हाँ जाते छोड़ दही खाली हिंदे बस फाका दही। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग कपड़ा वगैरह फटाफट चेंज करते हैं और आराम करते हैं। क्या जी चलिए तो हम खोलना शुरू कर दिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।